का आलोच्य विषय है जीवन के सभी क्षेत्रों में पुनर्जागरण का प्रयोजन। रेनासा शब्द का शुद्ध अर्थ है पुनर्जागरण। जो मानवता इतने दिनों तक सोई हुई थी, आज उसे अंध तमिश्रा से जगाना होगा और जीवन के सभी क्षेत्रों में, अस्तित्व के सभी स्तर पर कुछ नया करना होगा। जीवन के तीन गुरुत्वपूर्ण स्तर हैं, जागतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। जागतिक स्तर में और अनेक उप स्तर हैं, जैसे वैज्ञानिक आविष्कार, सामाजिक अग्रगति और उसके साथ साथ राजनैतिक, अर्थनैतिक, सांस्कृतिक जीवन भी है। कोई कोई यह बात कहते हैं कि 20वीं शताब्दी है विज्ञान का युग। नहीं, बात ठीक नहीं है। 20वीं शताब्दी ही क्यों कहेंगे? प्रागैतिहासिक युग से ही, अर्थात अनुमानतः 10 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर मानव जाति के आने के उषा लग्न से ही विज्ञान के साथ मनुष्य का जीवन अच्छेद्य भाव से संपर्कित है। जितने दिनों तक एक भी मनुष्य बचा रहेगा, उतने दिनों तक विज्ञान का युग रहेगा। वर्तमान काल में विज्ञान का अर्थ ही है नए नए अस्त्र तैयार करना और योद्धाओं का हाथ शक्तिशाली करना। विज्ञान का मूल मंत्र यह होना उचित नहीं है? मानव जीवन के प्रारंभिक काल में भी ऐसा नहीं था। हाँ, अस्त्रों का प्रयोजन तो है, वह योद्धाओं के हाथ को मजबूत करने के लिए नहीं, सत आदर्श, सत चिंतन, सत मनुष्य की रक्षा करने के लिए अस्त्र की आवश्यकता है। विज्ञान का व्यवहार कला की तरह ही होना उचित है, अर्थात विज्ञान सेवा और कल्याण के लिए होगा। साहित्य जैसे सेवा और कल्याण के लिए है, वैसे ही विज्ञान को सेवा तथा कल्याण मूलक होना होगा। विज्ञान सर्वदा मानव समाज की यथार्थ प्रगति के लिए उपयुक्त होना चाहिए। अब सामाजिक प्रसंग की ओर आया जाए। सामाजिक स्तर में अनेक उप स्तर है। सामाजिक स्तर में कई उप स्तर है और सामाजिक प्रगति का यथार्थ रूप ही है सब प्रकार के सामाजिक वैषम्य को दूर करना। किसी एक परिवार के सदस्य के समान बृहत्तर मानव समाज के प्रत्येक सदस्य को समान अधिकार होना चाहिए, किंतु वहां तो वैषम्य रह ही गया है। अतः पुनर्जागरण आंदोलन के माध्यम से सब तरह के वैषम्य को दूर कर मानव समाज के साम्य को, भावगत और अस्तित्वगत संतुलन को प्रतिष्ठित करना होगा। हम लोगों के समाज में अनेक प्रकार के वैषम्य हैं। दृष्टांत स्वरूप जैसे जैव संरचनागत पार्थक्य है, उसे क्षुद्र स्वार्थ सिद्धि के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है। मनुष्य और पशु में, मनुष्य और उद्भिद में, पशु और उद्भिद में यही पार्थक्य कार्य करता चलता है। एक मनुष्य जैसे बचना चाहता है, वैसे ही एक कबूतर भी बचना चाहता है, वैसे ही बचना चाहता है एक कौवा और एक गाँच भी। हमारे लिए जैसे हमारा जीवन अति प्रिय है, वैसे ही सभी सृष्ट सत्ताओं को समान रूप से अपना जीवन प्रिय है। इस पृथ्वी पर बचे रहना जैसे मनुष्य का जन्मगत अधिकार है, वैसे ही बचे रहना पशु जगत और उद्भिद जगत का भी जन्मगत अधिकार है। अधिकार की स्वीकृति देने के लिए तथा समस्त समाज से स्वीकृति लेने के लिए रेनासा आंदोलनकारियों को अवश्य ही कुछ वास्तवोचित करना होगा। इस समाज में जन्मगत भित्तिक पार्थक्य भी रहता है। जन्म की भित्ति पर ही तथा कथित उच्च वर्ग निम्न वर्ग तैयार हुआ है। किसी विशेष देश का मनुष्य अनाहार से सूख कर मर रहा है और किसी देश का मनुष्य मरता है अमिताहार से, अजीर्णता से और लोभ के वशवर्ती होकर। यह एक सामाजिक वैषम्य है जो बहुत खराब है। यह सब स्वार्थी लोगों द्वारा सृष्ट है, परम पुरुष द्वारा नहीं। रेनासा आंदोलन को इस विषय में कुछ गठनमूलक कार्य करना होगा। सभी समान हैं, मनुष्य के विचार से सबका अस्तित्विक मूल्य समभाव से प्रोज्वल है। इसके बाद है वर्णगत तारतम्य। भौगोलिक कारण से तथा ऐतिहासिक कारणों से समाज में वर्णगत पार्थक्य हो गया है। किसी के शरीर का रंग गोरा, किसी का काला, किसी का बहुत काला, किसी का हल्दी रंग या पीला है, ये सब कोई मौलिक पार्थक्य नहीं है। ये सब है बाहरी पार्थक्य। इस प्रकार के आपात पार्थक्य की भित्ति के ऊपर क्यों पृथक शास्त्र की रचना होगी? नहीं, वर्ण के ऊपर भित्ति कर कोई पार्थक्य हो नहीं सकता और न उस पर आधारित कोई सामाजिक वैषम्य ही मान्य होगा।
इसके अलावे नारी पुरुष का पार्थक्य। नारियां अनेक सामाजिक राजनीतिक अधिकार से वंचित हैं। तुम लोग जानते हो यही कई सौ वर्ष पहले पृथ्वी के अनेक देशों में उनके वोट देने के अधिकार नहीं थे। ऐसा क्यों? वे भी तो मनुष्य हैं, पुरुषों की तरह उनके भी समान अधिकार हैं। पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रदूतों को सामाजिक साम्य की प्रतिष्ठा की स्थापना के लिए आंदोलन शुरू करना होगा और नारी पुरुषगत इस प्रकार की असमानता को दूर करना होगा। महिलाएं क्या गौ आदि पशु हैं या कपड़े की पोटली हैं, जिसको मनुष्य विवाह के समय दान के रूप में दे देते हैं? उन्हें क्या कृत दासियों की तरह दूसरों के हाथ बिक्री कर देना होगा? जितने दिनों तक नारियों में साहस और बुद्धि का अभाव था, उतने दिनों तक उन सबों ने यह सब सहन किया। किंतु विचार करो तो यह बात कितनी अवमानकर है। उनकी यह अमर्यादा प्रकट रूप में चाबुक मारने की अपेक्षा बहुत अधिक खराब है। कपड़े की गठरी के समान नारियों को क्या धोबी के घर भेजना होगा? उनको अवश्य ही दबाकर रखना नहीं चलेगा। समाज में पुरुष का एकाधिपत्य रहना भी उचित नहीं है। समाज में दोनों का सामवायिक नेतृत्व रहना उचित है, कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन रहना उचित है। कोई किसी के अधीन नहीं है। इसलिए नारी पुरुष की पारस्परिक सहमति के माध्यम से ही यौथ नेतृत्व का गठन करना उचित है। रेनासा आंदोलन के पथिक लोगों को अविलंब ही इन सब वैषम्यों के विरुद्ध आंदोलन शुरू करना होगा। ऐसा नहीं होने से समस्त जनगोष्ठी के अर्धांश ये नारियां यदि अवहेलित रह गईं, तब किस तरह मानव समाज की सर्वात्मक प्रगति होगी? अतः पुनर्जागरण आंदोलन में यह सब देखना, विचार करना एक सामाजिक कर्तव्य है, एक सामाजिक दायित्व है। रेनासा के कार्यकर्ताओं को इस व्यवधानों और असमानताओं के विरुद्ध संग्राम शुरू करना होगा। इन सबों को समाज से बाहर फेंक डालना होगा। राजनैतिक क्षेत्र में क्या होता है? एक ही देश की एक जनगोष्ठी दूसरी जनगोष्ठी का अथवा एक देश अन्य देश का शोषण करता चलता है। वहाँ भी है राजनैतिक असाम्य। समाज में अभी भी अर्थनैतिक विभाजन, अर्थनैतिक शोषण रह गया है। सिर्फ यही नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक वैषम्य, सामाजिक और सांस्कृतिक शोषण भी रह गया है। रेनासा के कार्यकर्ताओं को यह सत्य आज सबके सामने लाकर रखना होगा, क्योंकि इस वैषम्य का कभी भी सत और शुभ बुद्धि संपन्न लोग समर्थन नहीं करेंगे, हम लोग भी नहीं करेंगे। हाँ, राजनीतिक क्षेत्र में अवश्य ही नीतिवादियों का शासन रहेगा। दुर्नीतिग्रस्त लोग कभी भी समाज को सही रास्ते पर नहीं चला सकेंगे, कभी भी मनुष्य को कल्याण के पथ से नहीं ले जा सकते हैं। राजनीतिक जीवन को अवश्य ही वैश्विकतावाद की भित्ति पर गठित करना होगा। साथ साथ यह भी नहीं भूलना होगा कि उस जगत के विशेष विशेष अंचल में विशेष विशेष परिस्थिति और समस्याएं हैं। अर्थनैतिक क्षेत्र की बात की जाए, यहाँ भी चरम असाम्य और शोषण रह गया है। अवश्य आजकल प्रत्यक्ष भाव से औपनिवेशिक शासन नहीं है, किंतु राजनैतिक और अर्थनैतिक क्षेत्र में वह परोक्ष भाव से आज भी रह गया है। यह सब सह्य करना उचित नहीं है। पुनर्जागरण का आंदोलन करते जाने पर इस विषय में भी कुछ करना होगा। तुम लोगों को यह याद रखना उचित है कि अर्थनैतिक क्षेत्र में सबको न्यूनतम प्रयोजन पूर्ति की निश्चितता गारंटी देनी होगी। इस विषय में संधि का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रत्येक को न्यूनतम क्रय क्षमता की निश्चितता देनी होगी। अभी भी न्यूनतम प्रयोजन मनुष्य के जीवन में निश्चित नहीं है, वरन आज भी मनुष्य मार्क्सवाद के समान सठतापूर्ण पुराने अर्थनैतिक तत्व द्वारा चालित हो रहा है, जो वास्तविक जीवन में व्यर्थ और असार कहकर प्रमाणित हुआ है। मनुष्य क्यों उस प्रकार के तत्व में विश्वास करेगा जो कभी भी सार्थक प्रमाणित हुआ ही नहीं? मनुष्य को गलत रास्ते पर चलाया जा रहा है कि नहीं, यह मूल्यांकन करके देखने का आज दिन आ गया है। इसके बाद आती है एक गुरुत्वपूर्ण दिशा, वह है सांस्कृतिक जीवन। संस्कृति क्या है? मानव जीवन की बहुमुखी अभिव्यक्ति का समाहार ही है संस्कृति। समग्र मानव जाति की संस्कृति एक है, तब अभिव्यक्तियों में आंचलिक तारतम्य तो रहता है। अभिव्यक्तियों के इस आंचलिक तारतम्य का यह अर्थ नहीं है कि पृथ्वी के विभिन्न अंचल के मनुष्य की संस्कृति भिन्न भिन्न है।
संस्कृति एक ही है किंतु अभिव्यक्तियां भिन्न भिन्न हैं। शिक्षा सांस्कृतिक जीवन का एक अंग है। शिक्षा अवश्य ही निःशुल्क होना उचित है और वह वैश्विकतावाद की भित्ति पर आधारित होना उचित है। शिक्षा के वास्तवायन के समय तुम लोगों को अवश्य ध्यान देना उचित है कि समाज में अलग अलग अंचल की स्थानीय परिस्थिति, समस्या और स्थानीय प्रयोजना भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। इसलिए शिक्षागत संरचना तैयार करते समय इस मौलिक तत्व को ध्यान में रखना होगा। अतः देखते हो पुनर्जागरण आंदोलन की परिधि विराट है, इसलिए तुम लोगों को इसी मुहूर्त से कार्य प्रारंभ कर देना होगा। इसमें जानकर देरी करना चलेगा नहीं। जागतिक क्षेत्र में इस प्रकार की विभिन्न समस्याएं रह गई हैं, मानसिक जगत में भी वैसे ही रह गई हैं। नाना प्रकार की व्याधियां रेनासा के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार के असाम्य तथा मनुष्य सृष्ट कृत्रिम भेद विभेद के विरुद्ध संग्राम चलाते जाना होगा। मानसिक जगत में भी अवश्य ही प्रगति करनी होगी। मानसिक क्षेत्र में जो अग्रगति है उसे आबाद और निरंकुश होना होगा। मानसिक जगत में भी अनेक रोग रह गए हैं। तुम लोग देखोगे मानस भौतिक जगत में अनेक मनुष्य भाव जड़ता के द्वारा प्रेषित हो रहे हैं। नाना प्रकार की भाव जड़ता मनुष्य के मन में जड़ जमा कर रखता है। मनुष्य कभी भी सहज में इन मिथ्या भावनाओं से मुक्त नहीं हो सकता। कारण है छोटी उम्र में ही उसके मन में इन सब की सूचिका प्रयोग की गई है। इसके फलस्वरूप एक मानव समाज विभिन्न राष्ट्रों में विभाजित हो गया है और एक ही राष्ट्र विभिन्न धर्ममत में विभक्त हो गया है। एक ही धर्ममत फिर भिन्न भिन्न जातियों में उपजातियों में विभक्त हो गया है। कैसी असहनीय दुर्वस्था है। कोई सोचता है जिस कारण से वह विशेष गोष्ठी भुक्त है इसलिए वे परम पुरुष के आशीर्वाद धन्य संतान हैं और अन्य सब अभिशप्त हैं। यह अत्यंत निम्न मान की भाव जड़ता है। यह सब सुविधावादियों की सृष्टि है। रेनासा के कार्यकर्ताओं को इन समस्त भाव जड़ताओं के विरुद्ध संग्राम करना होगा और वह करना होगा अशेष भाव से। इसलिए हो सकता है उनको असंख्य बाधाओं के सम्मुखीन होना पड़े, कटुक्ति सुननी पड़े और लांछना विडंबना भोग करना पड़े, किंतु फिर भी उन्हें निर्भय होकर अप्रतिहत गति से आगे बढ़ना होगा। भाव जड़ता है मानस भौतिक व्याधि। इसके अलावे है भौतिक मानसिक रोग समूह। कोई कोई युक्ति दिखाते हैं कि परम पुरुष ने मनुष्य के आहार के लिए ही जीव जंतुओं की सृष्टि की है। मैं एक आदमी को जानता हूँ, वह प्रायः बोलता था यदि मनुष्य बकरे का मांस न खाए तो एक दिन पृथ्वी बकरों से भर जाएगी। कोई कोई बोलता है यदि मनुष्य मुर्गी का मांस न खाए तो संपूर्ण पृथ्वी उससे भर जाएगी, एक इंच परिमित जगह नहीं रहेगी। इस दिशा में मेरा वक्तव्य है कि मनुष्य तो गिद्ध नहीं खाता है, तो क्या विश्व गिद्ध से भर गया है? ये मनुष्य कितने मूर्ख हैं। मनुष्य केंचुआ नहीं खाता है तो कोई बोल सकता है कि इस पृथ्वी पर केंचुओं की संख्या वृद्धि मनुष्य के नियंत्रण से बाहर चली गई है। बात यह है कि लोग लोभ से मुर्गी खाते हैं, बकरे खाते हैं और अपनी दुर्बलता ढकने के लिए युक्ति खोजते फिरते हैं। तुम लोग इस तरह की कपटता को प्रश्रय नहीं दोगे। मानसिक जगत की चलमानता के कारण से कुछ त्रुटिपूर्ण चिंतन रह गया है। मनुष्य समझता है कि जैसे उसने पृथ्वी पर शासन करने के लिए जन्म लिया है और सृष्ट जगत के जीव जंतुओं ने जैसे उसके द्वारा शासित होने के लिए ही जन्म लिया है। मजबूत अस्त्र के द्वारा तुम लोगों को इस प्रकार की मानसिकता के विरुद्ध संग्राम करना होगा। वह अस्त्र क्या है? वह है नव्य मानवतावाद। यहाँ वास करने के लिए सबों को समान अधिकार है। यह विश्व सबके लिए है। यह विश्व केवल मनुष्य की पैतृक संपत्ति नहीं है, यह रेनासा के कार्यकर्ताओं का निश्चित कर्तव्य है। विशुद्ध मानसिक जगत में भी गति का प्रसंग आता है। संपूर्ण मानसिक स्तरों में भी अनेक त्रुटिपूर्ण चिंतन कार्य करता है। इसके फलस्वरूप कोई व्यष्टि या गोष्ठी प्रायः दूसरे का दमन और उत्पीड़न करने की चेष्टा करती है। इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण मानसिकता के कारण जनगण का एक विराट भाग मानसिक हताशा भोग करता है।
पुनर्जागरण के आंदोलनकारी लोगों को इस प्रकार के शोषण के विरुद्ध में तत्पर होना होगा और त्रुटिपूर्ण दर्शन के हाथ से मानव समाज को बचाने के लिए रोग समूहों को मनुष्य के मन से दूर करना होगा, साफ कर देना होगा। मानसाध्यात्मिक स्तर में भी और एक प्रकार की मानसिक व्याधि रह सकती है। मानसाध्यात्मिक स्तर की गति केंद्रित है, अर्थात समस्त रोग एक विशेष बिंदु से नियंत्रित होते हैं और वह चरम सत्ता की ओर बढ़ चलता है। यह गति अवश्य संश्लेषणात्मक है, विश्लेषणात्मक नहीं है। संपूर्ण रूप से यदि गति वाहिक हो तब पथ विश्लेषणात्मक होता है, जो बहुत ही भयावह है। इस कारण से देखा जाता है कि मानसाध्यात्मिक के नाम पर, मजहब या उपधर्म रिलीजन के नाम पर मानव समाज में असाम्य तैयार हुआ है। मनुष्य मनुष्य में भेद सृष्ट हुए हैं। अतीत में धर्म के नाम पर अनेक रक्तक्षयी संग्राम हुए हैं। आजकल भी एक उपधर्म का मनुष्य दूसरे उपधर्म के मनुष्य पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके ऊपर निर्भर नहीं कर सकते। इसलिए यह ध्यान देने की बात है कि एकमात्र केंद्रित सत्ता, वही चरम सत्ता ही हम लोगों के रक्षक हैं, वही हम लोगों के जीवन के चरम लक्ष्य हैं, यही सभी तरह के मानसिक रोगों का मकर ध्वज है। तृतीय है आध्यात्मिक स्तर। इस स्तर का स्वाभाविक पथ है सब कुछ को आध्यात्मिकता की ओर चालित कर देना। आदर्श के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, एकता के क्षेत्र में, सर्वत्र ही इसका उत्तरण होना आवश्यक है। अर्थात हम लोगों के आध्यात्मिक जीवन के समस्त स्तर में इसका उत्तरण करना ही होगा। तुम लोगों के अस्तित्व के प्रत्येक अणु परमाणु को आध्यात्मिकता में रूपांतरित करना होगा। किंतु त्रुटिपूर्ण दर्शन के कारण, त्रुटिपूर्ण निदर्शन के कारण इस सत्य को मनुष्य भूल कर आत्मिक शक्ति को मानसिक शक्ति में, मानसिक शक्ति को जड़ शक्ति में रूपांतरित करता चला है। उसने ऋणात्मक प्रतिसंचर का पथ चुन लिया है, वह प्रगति का परिपंथी है। रेनासा के कार्यकर्ताओं को इन सब के विरुद्ध आवाज उठाना होगा और वह करना होगा अभी ही, इसी मुहूर्त से ही। मैं भी चाहता हूँ तुम सब लोग विचार बुद्धि समर्थित पुनर्जागरण के पथ से आगे बढ़ चलो। आज से ही, इसी मुहूर्त से ही तुम लोगों की जय हो। आर यू प्रवचन, 2 जनवरी 1986।